विचारों को साकार करने के लिए भावनाओं का साथ लेना अनिवार्य है। हमारी भावनाएं वो ईंधन है जिससे हम अपने विचार और शब्दों को वास्तविकता तक पहुंचा सकते हैं। हमारी सारी इंद्रियां मूल रूप से महसूस करने के लिए हैं, पर हम इनका उपयोग किस तरह करें ये हम पर है। अगर आप मुड़ के देखें तो जो भी आपके जीवन के सबसे अच्छे किए गए काम होंगे उसमें जरूर आपने अच्छी भावना से काम किया होगा, तो हर मुश्किल आसान हो गई होगी। जिस काम में आपकी भावना जुड़ी होगी वो काम आसानी से और जोर शोर से होता है, पर जिससे आपको केवल पूरा करना है और उसमें आपकी भावना नहीं जुड़ी तो उसे करने में आपको समय भी ज्यादा लगता है और थकान भी ज्यादा होती है। अब जीवन में सारे काम तो ऐसे नहीं हैं जिनमें आपका मन लगे, लेकिन अगर आप भावनाओं को बेहतर दिशा दें, मन में संतुलन रखें, तो जो भी काम करेंगे वो आसान ही लगेगा और उससे कुछ फायदा ही होगा। हो सकता है कि आपकी इस सकारात्मकता की वजह से आपको काम में किसी की मदद मिल जाए या राहत, क्योंकि अच्छे भाव हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा बना देते हैं। ये हमारी ऑरा होती है और जिसकी ऑरा जितनी संतुलित और शांत होगी उसका जीवन उतना ही आनंदमयी होता जाएगा। तो ध्यान में बैठते हैं, अपनी कमर सीधी रखें, हाथों को गोद में रख लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और ध्यान भावों के बीच केंद्रित रखें। एक लंबी गहरी सांस भरें और उसे अब मुंह से छोड़ें। हर सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला करते जाएं, पैरों को, हाथों को। दोबारा एक लंबी गहरी सांस लें जो पूरी छाती में, पीठ में जा रही है, और मुंह से सांस को छोड़ते जाइए। कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन सीधी करें, जबड़े को ढीला छोड़ दें। फिर से एक लंबी सांस भरें और इसे पूरे शरीर में पहुंचने दें, मस्तिष्क में, चेहरे में, तलवों में, बाहों में। सांस मुंह से छोड़ते हुए इस हिस्से को भी पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में जाने दें। शरीर में देखें कि कहीं और तनाव बना हुआ है क्या। अगर कोई भारीपन, रुकावट महसूस हो तो एक और लंबी गहरी सांस लें और इसे वहां केंद्रित करें। सांस मुंह से छोड़ते हुए उस तनाव को धीरे धीरे पिघलता हुआ महसूस करें। दो तीन बार फिर से अपनी सहूलियत के अनुसार लंबी गहरी सांस लें और शरीर को और ढीला छोड़ते जाएं, और ढीला छोड़ते जाएं। अब शरीर पे ध्यान दें, कितना शांत और शिथिल हो गया है। शरीर के चारों ओर एक सफेद दिव्य प्रकाश की कल्पना कीजिए। ये आपका आभा मंडल है। हम अपने जीवन के सारे अनुभवों का असर इसमें समाये रखते हैं और ये उसी तरह की परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाने लगता है जैसे हमारे भाव होते हैं। ध्यान दें, इसमें किस तरह के रंग दिख रहे हैं। सांस लें और सांस धीरे से छोड़ें। यदि इसमें किसी भी तरह की कालिक या भारीपन दिख रहा है तो चेहरे पर एक मुस्कान लाएं और इस जगह पर लंबी गहरी सांस लें। जहां भी ये रुकावट दिख रही है, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे दिमाग को आदेश जाता है कि सब ठीक है और उसका हमारे पूरे शरीर पर असर पड़ता है। जब भी कोई आपत्ति आए तो भले ही हम उसे तुरंत ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम लंबी गहरी सांस और चेहरे पर मुस्कान रख सकते हैं। इससे हमारा दिमाग शांति और धैर्य से काम करेगा। सांस लें और सांस धीरे से छोड़ें। अब कल्पना करें कि वो सफेद प्रकाश जो आपके चारों ओर है, उसमें से कई सारे धागे निकलकर लोगों के आभा मंडल से जुड़ रहे हैं जो आपके जीवन का मानसिक या भौतिक रूप से हिस्सा है। अपना ध्यान अपने छाती के ठीक बीच हृदय
यानी अनाहत चक्रा पर जाने दें। इससे करुणा से भर लें, जैसे जब किसी ने आपको प्रेम और करुणा दिखाई है, उस ख्याल को इसमें जागृत होने दें। लंबी गहरी सांस लें और सांस धीरे से छोड़ें। ये इतना प्रकाशित हो जाए कि आप जहां बैठे हैं वहां चारों ओर इसकी रोशनी भर जाए और हर व्यक्ति आपके इस प्रेम भाव को महसूस कर सके। इस प्रकाश को अब निरंतर इन लोगों पर बहने दीजिए और कल्पना कीजिए कि ये आपको समझ पा रहे हैं और आपसे इन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा जा रही है। लंबी गहरी सांस लें और सांस धीरे से छोड़ते जाएं। हम जो भाव बाहर देते हैं वही हम तक वापस भी आते हैं। खुद में कृतज्ञता का भाव भर लें। सांस लें और सांस धीरे से छोड़ें। मान लीजिए अगर हमारे आसपास कोई ना हो तो हम कितने अकेले पड़ जाएंगे। कुछ दिन खुश हो भी जाएं पर आगे जाके निराश हो जाएंगे। दूसरे व्यक्ति हमारे जिंदगी को, हमारी उपलब्धियों को मतलब देते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए सब लोगों को अपना प्रेम और करुणा भाव भेजें। इस ऊर्जा को अब अपने में वापस ले आएं। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस धीरे से छोड़ें। अब ध्यान दें कि आपका आभा मंडल कितना प्रकाशित हो गया है। आपके शरीर के सारे अंग सक्रिय हो गए हैं। हर सांस के साथ आपका शरीर क्रियाशील हो रहा है। दिमाग और शरीर में एक अच्छा तालमेल बैठ रहा है। आप सही समय पर हर दिन सफलता की ओर चल रहे हैं। इस अवस्था का आनंद लें और भरोसा रखें कि आपकी भावनाएं आपका साथ दे रही हैं। सांस लें और वर्तमान के इस पल को पूरी तरह महसूस करें और धीरे से सांस छोड़ें। अगर आप अपनी जिंदगी में भीषण बदलाव देखना चाहते हैं तो उसी मात्रा में सकारात्मक विचारों से खुद को भर दें। जब देखें अच्छा देखें, जो सुने अच्छा सुने, जब बोले तो अच्छा ही बोले। सांस लें और सांस छोड़ें। आज से आप अपनी भावनाओं की तरफ सतर्क रहेंगे और जब जब आप अपने भाव स्वयं चुनेंगे तब तब आप देखेंगे कि आपका जीवन खूबसूरत हो रहा है, बदल रहा है और सब आपके इस आत्म परिवर्तन को महसूस कर पा रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस के साथ इस अवस्था को अपने अंतर मन में उतार लें, जिससे आज आप जो भी बोलें या करें उसमें एक संतुलन, विवेक, प्रेम भाव प्रकट हो। और अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए और आज से सचेत होते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, उसे अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। स्वागत है एक शांत स्थिति में, एक नई जिंदगी में।